नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। राजधानी रायपुर में भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम निवास पर कैबिनेट की बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा। एमपी के सीएम शिवराज का मूंग खरीदी पर बयान, कहा 18 जुलाई से किसान करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी सरकार। सीएम ने कहा कि 7,275 रुपए क्विंटल की दर से धान की होगी खरीदी, सभी जिलों में खरीदी की तैयारी शुरू। वोट देने और भ्रष्ट नेताओं वाले वायरल वीडियो पर शिवपुरी के एडीएम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा सरकार इसे गंभीरता से सरकार ने लिया, अनुशासनात्मक कार्रवाई की निर्वाचन आयोग से हटाने की मांग की इजाजत। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह कोरबा के दौरे पर, इस मौके पर गिरिराज सिंह ने कलेक्टर कार्यालय के एनआईसी कक्ष से दीप प्रज्वलन कर राष्ट्रीय वाटर शेयर सम्मेलन का शुभारंभ किया। मुख्य कार्यक्रम संसाधन विभाग भारत सरकार द्वारा प्लेनरी हॉल विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से देश की राजधानी दिल्ली तक सीधी ट्रेन शुरू हो चुकी है, लोगों में दिखा गजब का उत्साह। अंबिकापुर से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सरगुजा सांसद रेणुका सिंह समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा बुधवार को राजधानी पहुंचे, इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा, विधायक आरिफ मसूद ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में बीजेपी के संगठन के कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश यसवाल शामिल हुए। कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बदादी के कार्यक्रम में बीजेपी के जिलाध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने लड्डुओं से तोलकर स्वागत किया। इस दौरान 3 से 4 गुटों में विभाजित बीजेपी एक मंच पर दिखाई दी। सुकमा में कमांडो के हाथ बड़ी सफलता लगी है, नक्सलियों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश को नाकाम कर दिया और कमांडो ने चिंदगुफा थाना क्षेत्र करीगुंडक के मुख्य मार्ग के रासाबाग नाले के पास 3 किलो का कमांड आईडी बरामद किया है। छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली टीम की सेक्शन कमांडर ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज और जगदलपुर के दिशा निर्देशन में क्षेत्र में माओवादी उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बैतूल का रहने वाला युवक मंदिर से दर्शन कर अपने पिता से के साथ वापस लौट रहा था, तभी नाला पार करते समय युवक का संतुलन बिगड़ गया, नाले में बह गया। बालोद जिले में नगर की ओर हाथियों का दल कूच कर रहा है, उद्यान रोपड़ी से निकलकर मुख्य मार्ग तक हाथियों का दल पहुंच चुका है। आज से श्रावण की शुरुआत, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिव भक्त सावन भर नियमित रूप से भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। मान्यता की सावन मास में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने भक्तों की दुख दर्द को सुनते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। सावन के महीने में श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के प्रतिरूप शिवलिंग पर फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा और फल चढ़ाते हैं। भारत में द्वादश ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है, इन मंदिरों में श्रद्धालु दूर दूर से चलकर जल चढ़ाने आते हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक आज तेलंगाना और पश्चिमी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ में तेज बारिश की संभावना है। वहीं 14 से 17 जुलाई के बीच महाराष्ट्र के विदर्भ में वर्षा होगी। एमपी में लगातार बारिश का दौर जारी है, जहां बारिश से नदी और नाली उफान पर हैं। जिले में तेज बारिश से जिले की गोंडा और वेदा नदी में बाढ़ आ गई है। इंदौर में लगातार हो रही झमाझम बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बारिश से नगर निगम प्रबंधन की पोल खुल गई है। रतलाम जिले के नावली में तेज बारिश होने से कई निचली बस्तियों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पानी का बहाव इतना तेज था कि नावली नगर देखते देखते जलमग्न हो गया, साथ ही नदी नालों में भी उफान आ गया। धमतरी में भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे 30 पर अचानक से एक विशाल पेड़ गिरने से हाईवे जाम हो गया। पेड़ गिरने से दोनों तरफ का आवागमन घंटों तक बाधित रहा। बस्तर में बीते 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। छिंदवाड़ा के पीपला गांव में नदी का रपटा पार करते हुए युवक पानी में बहा, हादसे का वीडियो सामने आया। कांकेर जिले में बारिश का कहर जारी, नारा कुरना मार्ग पानी के तेज बहाव में पूरी तरह से बह गया। झमाझम हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक के बेलाट नाला उफान पर है। लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार करने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र गुजरात समेत कई राज्यों में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा दी। गुजरात में अब तक 31,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। महाराष्ट्र गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया। गुजरात में अब तक 31,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है, जबकि पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की जान चली गई है। गुजरात में बाढ़ और बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर 83 पहुंच गई है। बीते 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से नवसारी, बलसाड, सूरत, नर्मदा, छोटा उदयपुर, अहमदाबाद, सौराष्ट्र के गिर, सोमनाथ, द्वारका, राजकोट जैसे शहरों भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी के चलते अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। गुजरात के सावली, हिरण, सभी बांध अपनी कैपेसिटी से 90 से 100% फुल हो गए हैं। निचले इलाकों में पड़ने वाले 20 गांवों को अलर्ट किया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई में बारिश से बुरा हाल, पिछले कई दिनों से तकरीबन रोजाना ही बारिश हो रही है। सीएम एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों से इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट रखने के निर्देश दिए हैं। मुंबई में भारी बारिश का दौर जारी, जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं मुंबई के अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश और बाढ़ जैसे हालात हैं। कर्नाटक में बारिश और बाढ़ से अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। सीएम बसवराज बोम्मई ने लोगों की मदद के लिए तत्काल प्रभाव से 500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन महीने के पहले दिन गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। उदयपुर शेखावाटी के श्री बुद्धगिरी मणि में सर्व मनोकामना सिद्धि महाशिवोत्सव श्रावण मेला शुरू हो गया है।
संत दिनेशगिरी महाराज के सानिध्य में हुआ कार्यक्रम का आयोजन, रोजाना 108 लोग बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। जयपुर के अजरोल में आदमखोर पैंथर का आतंक। जयपुर में एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स ने 20 साल के युवक की गली में फंसे नींबू को निकालकर सफल ऑपरेशन किया। के बागोड़ा में कीचड़ से परेशान छात्रों ने रास्ता जाम किया, साथ ही छात्रों और ग्रामीण ने मिलकर प्रदर्शन किया। तो के ककोड़ में सरकारी अस्पताल पर किसी भी कर्मचारी के नहीं पहुंचने से नाराजगी, ग्रामीणों ने ताला लगाया। देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल आया। देश में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,139 मामले सामने आए। राष्ट्रीय राजधानी में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 490 नए मामले आए सामने, जबकि 3 मरीजों की संक्रमण से मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 2,979 नए मामले सामने आए, 1,359 लोग डिस्चार्ज हुए, 4 मरीजों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 187 मामले सामने आए, राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 44 केस मिले। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 365 नए मामले सामने आए, 386 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 170 नए मामले सामने आए, जबकि 173 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 39 मरीजों की पुष्टि, 61 मरीजों ने कोरोना को मात दी। मिजोरम में कोरोना के एक भी नया मामला सामने नहीं आया, ना ही किसी व्यक्ति की मौत हुई। भारतीय नौसेना की ओर से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर एसएसआर पदों पर भर्ती निकाली गई, इसके लिए उम्मीदवार 15 जुलाई 2022 से आवेदन जमा कर सकेंगे। भर्ती में कुल 28 पद भरे जाएंगे, योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। भारतीय सीमा की रक्षा करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, आईटीबीपी ने हेड कांस्टेबल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 286 पदों पर भर्ती निकाली। इन पदों पर 12वीं पास उम्मीदवार आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 14 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन टाइपिंग स्पीड के आधार पर होगा। चालीस साल तक के युवक युवतियों के लिए समूह सी की नौकरी पाने का शानदार मौका, यूपी में ग्रुप सी के हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। इन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीएसएससी को काम सौंपा है। यूपीएसएससी ने इसके लिए पीईटी 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 27 जुलाई 2022 है। पीईटी एग्जाम के लिए भरे जा रहे एप्लीकेशन फॉर्म में 3 अगस्त तक सुधार किया जा सकेगा। एलआईसी पर एंकर इन्वेस्टर्स का भरोसा बरकरार, लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद भी नहीं बेचे शेयर, भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयर लिस्टिंग के बाद से 24% तक गिरे। क्रूड ऑयल के भाव में और गिरावट, आईईए ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्त की वजह से ईंधन की खपत कम रहेगी और आने वाले वक्त में क्रूड ऑयल के दाम और सस्ते होंगे। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी, सप्ताह के शुरुआती 3 कारोबारी सत्र में नुकसान झेलने के बाद आज गुरुवार को लगातार चौथे सत्र में भी बाजार का सेंटिमेंट कमजोर दिख रहा है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। इंग्लैंड 44 साल बाद बना वर्ल्ड चैंपियन, विकेट या रन से नहीं, एक नियम से न्यूजीलैंड हारा फाइनल। 2019 में आज ही के दिन यानी कि 14 जुलाई को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए वनडे विश्व कप में न्यूजीलैंड हारा था।
इससे रोमांचक मुकाबला क्रिकेट में शायद ही कोई हुआ हो, जब 100 ओवर के खेल के बाद मैच टाई रहा। चैंपियन के फैसले के लिए पहली विश्व कप के इतिहास में सुपर ओवर का सहारा लिया गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी T20 और वनडे सीरीज। इस बीच तैयारी को पुख्ता करने के लिए सितंबर अक्टूबर में टीम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेलने की प्लानिंग कर रही है। जॉस बटलर को हार के बाद प्लेइंग 11 में कर सकते हैं बदलाव। सैम करन की हो सकती है वापसी। अंडर ओवरटन, वहीं ओवरटन ने पहले मैच में 8 रन बनाए थे और 4 ओवर में 34 रन दिए थे। करण का प्रदर्शन टीम इंडिया के खिलाफ अच्छा रहा। बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। उसने दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को लगभग उसी अंदाज में हराया। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीती। अब उसकी नजर वनडे सीरीज पर भी है। संजय दत्त के डेयर डेविल अंदाज ने जीता बीबी बेटी का दिल। दरोगा शुद्ध सिंह की तस्वीर वायरल। संजय दत्त अपनी अपकमिंग फिल्म शमशेरा का को लेकर चर्चा में है। मोस्ट अवेटेड फिल्म शमशेरा 22 जुलाई को रिलीज होने वाली है। इसी बीच संजय दत्त ने अपना डेयर डेविल अंदाज दिखाया, जो कि फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा फैंस को भी भा रहा है। रूबीना दिलैक टीवी की बहू बनकर सबका दिल जीतने और बिग बॉस की ट्रॉफी अपने घर लाने के बाद इंद्रो रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी में जबरदस्त स्टंट करते हुए नजर आ रही हैं। फैंस उन्हें पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म शमशेरा के VFX की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इस फिल्म को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने नई संसद भवन में लगे राष्ट्रीय चिन्ह पर चल रहे विवाद पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि अगर एक शेर के दांत हैं तो बिल्कुल वो अपने दांत दिखाएगा। शहनाज ने हाल ही में अपने YouTube चैनल पर एक मजेदार ब्लॉग शेयर किया, जिसमें वो बारिश में भीगते हुए जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।